सामाजिक न्याय करो। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 सीटों पर नियुक्ति की मांग को लेकर ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, प्रदर्शनकारी कार्यालय के अंदर घुस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसी तरह एक एक को पकड़कर बाहर किया और गिरफ्तार कर इको गार्डन पार्क भेज दिया है। बता दें कि 6800 सीटों पर नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी किया था। इस भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया को लागू करने में गलती हुई थी, लेकिन गलतियों में संशोधन के बाद भी नियुक्ति न मिलने से अभ्यर्थी नाराज हैं और वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपावली से पहले भी उन्होंने कई बार प्रदर्शन किया था, लेकिन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षक अभ्यर्थी 2 बार मुख्यमंत्री आवास पर भी अचानक पहुंच चुके हैं, हर बार उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है। दीपावली बीतने के बाद शुक्रवार को अचानक शिक्षक अभ्यर्थी फिर से बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंच गए। वहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और नियुक्ति देने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन बसों में भरकर इको गार्डन पार्क भेज दिया था। आज फिर नाराज अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी भी घायल हो गए हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।